अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी सेगा 223 वुडन हैंडगार्ड वाली शॉर्ट बैरल, जो मैंने गन्स एंड एक्सेसरीज दमदमा कराची पर विज़िट किया था और मैंने वो राइफ़ल देखी। 2-3 दिन मैं सोचता रहा और फिर मैंने वो राइफ़ल परचेज़ कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, और आज मैं उसकी करूँगा अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू करेंगे। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सेगा राइफ़ल का बॉक्स है, जो जैसे सेगा राइफ़ल एक कार्डबोर्ड बॉक्स में आती है, और ये इसका जो है स्टिकर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसकी सारी डिटेल्स। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 29 अगस्त 2022 की है, जो कि बहुत ही लेटेस्ट है। और इसके साथ इधर भी इसका अगर हम देखें तो एक स्टिकर लगा हुआ होता है और सेम डिटेल्स होती है। सो अब हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ब्रांड न्यू राइफ़ल है। रशियन राइफ़ल्स की जो पैकेजिंग है वो इसी तरीके से होती है, वो एक प्लास्टिक रैपर में आती है, और ये कोई रैपर कोई नॉर्मल रैपर नहीं होता है। इसके अंदर रखने से रस्ट से जो है आपका वेपन महफूज रहता है। तो इसकी ये तो है राइफ़ल जो अभी हम देखेंगे। इसके साथ आता है सेगा का मैगज़ीन, सिंगल मैगज़ीन आता है और ऐसे सील्ड मैगज़ीन आता है। ये मेरे पास जो मेरी पिछली सेगा थी उसमें 2 मैगज़ीन आए थे, तो मैंने एक मैगज़ीन अपने पास रख लिया था। ये इस तरीके से आती है इसकी किट, जिसके अंदर क्लीनिंग किट होती है, एक मैगज़ीन होता है और एक बॉटल होती है जिसके अंदर आप ऑयल वगैरह रख सकते हैं। इसके बाद एक बुकलेट का पैक होता है, इसके अंदर इसकी कुछ पेपर्स होते हैं और एक एक्स्ट्रा स्प्रिंग इसके अंदर दिया हुआ होता है। सो व्यूअर्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं राइफ़ल पैक्ड है, और इसको हम अनपैक करेंगे। ये एक टेप से बंद हुआ हुआ होता है। सो व्यूअर्स, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बेहतरीन राइफ़ल है, बहुत ही टॉप क्लास कंडीशन में ये राइफ़ल है। और इसका अब हम रिव्यू करेंगे। इसका वुडन हैंडगार्ड, इसकी ब्यूटी है। ये इसका जो चार्जिंग हैंडल होता है, इसका सेफ्टी है प्लास्टिक की। सो व्यूअर्स, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सेगा शॉर्ट बैरल वुडन हैंडगार्ड के साथ। और इसका जो ख़ास बात यह है, जो प्रीवियसली जो सेगा आई थी वो इज़माश की ब्रांडिंग के साथ आई थी, और उनकी जो फिनिश क्वालिटी थी वो इतनी क्लास की नहीं थी, इतनी प्रीमियम क्वालिटी नहीं थी, जो कि अब जो ये सेगा आई है वुडन हैंडगार्ड में, इसमें आप ये देखें इसकी जो ब्रांडिंग है वो सेगा MK01, और इसमें जो क्लाशनकोव का आप देख रहे हैं कि इस पर मोनोग्राम है और मेड इन रशिया। सो इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही सुपर प्रीमियम क्वालिटी है। ये आप देखें राइफ़ल की फिनिश, आप इस वक्त स्क्रीन पे देखें, वेरी नाइसली बिल्ट, और कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि इसके अंदर किसी चीज़ की कमी है। ये इसका स्केलेटन स्टॉक। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले हम इसका सेफ्टी चेक करेंगे। मैगज़ीन एम्प्टी है। चैम्बर इसका खाली है, एम्प्टी है। और ये जो राइफ़ल है इस वक्त सेफ्टी चेक इसका हो गया व्यूअर्स, और अब हम इसके स्पेक्स डिस्कस करते हैं। तो ये राइफ़ल बड़ी लाइट वेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और बहुत ही सुपर क्वालिटी की राइफ़ल है। इसका जो टोटल वेट है वो 3.2 kg है, और शॉर्ट बैरल राइफ़ल है ये। बेसिकली सेगा जो 223/556 राइफ़ल्स हैं ये, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये AK प्लेटफॉर्म है, और ये जो सेगा राइफ़ल है ये गैस ऑपरेटेड सेमी ऑटो राइफ़ल है। ये इजीली आपके लाइसेंस पे चढ़ जाती है, आपको कोई PV परमिट वगैरह इसके लिए नहीं चाहिए। तो इसकी जो लेंथ है टोटल, ये स्टॉक के साथ जब हम स्टॉक्स का अनफोल्ड करते हैं तो 37 इंचेस है, और जो राइफ़ल जब हम ये इसका बटन है यहाँ पे जो जिससे स्टॉक फोल्ड हो जाता है, ये जो इसका स्केलेटन स्टॉक है, और इसमें जब ये सेफ्टी पे होगा तभी ये जो है ना फोल्ड होगा, वरना अगर आपने सेफ्टी से इसको रिमूव करके फायर पे किया तो ये बटन प्रेस नहीं होता, क्योंकि इसमें एक एडिशनल फायरिंग ब्लॉक है जो उसको प्रिवेंट करता है। फोल्डेड जब होती है तो उसको फायर नहीं करती है राइफ़ल, और जब ये फायर पोजीशन पे होता है तो तब भी स्टॉक का फोल्ड नहीं होता। तो स्टॉक फोल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको इसको सेफ्टी पर लाना होता है, फिर आप इसको प्रेस करें और ये यहाँ पे जब फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे आके ये लॉक हो जाता है। तो फोल्डेड वेपन का जो लुक है और इसका कंसील करना इसको काफ़ी इजी हो जाता है। 28 इंच इसकी जो लेंथ हो जाती है जब आप स्टॉक्स का फोल्ड कर देते हैं, तो इसकी जो लेंथ है वो 28 इंचेस हो जाती है, और इसका जो बैरल है वो 13.2 इंचेस का है। बहुत ही हैंडी राइफ़ल हो जाती है ये। इसका मैगज़ीन लगा के हम इसका लुक चेक करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, राइफ़ल को स्टॉक फोल्ड के साथ मैगज़ीन के साथ बहुत ही इसका अच्छा लुक आता है। अब हम इसका स्टॉक खोलते हैं। ये बटन है, इसको प्रेस करना पड़ता है और ये एक्सटेंड हो जाता है इसका स्टॉक। फ्रंट से हम स्टार्ट करते हैं। ये इसका फ्लैश हाइडर लगा हुआ है और उसके बाद फ्रंट साइड है, इसकी पिन साइड है इसकी, और इसकी जो खूबसूरती है इसका वुडन हैंडल। इसके साथ एक सर्टिफिकेट भी आता है। जब आप राइफ़ल लें तो मेक श्योर करें कि आप वो सर्टिफिकेट चेक कर लें, ऐसा ना हो कि आपको फाइबर सेगा का हैंडगार्ड जो है वो चेंज कर दें या लोकल हैंडगार्ड लगा दें। तो इस स्पेसिफिक राइफ़ल का एक सर्टिफिकेट है जो सेगा के कंपनी से आया है। यहाँ पे इसके एक आपकी स्लिंग की अटैचमेंट है, आप यहाँ पे स्लिंग लगा सकते हैं। उसके बाद ये इसकी फ्रंट साइड है जो एके स्टाइल की है, बिल्कुल एके प्लेटफॉर्म पे राइफ़ल है। ये इसका मैगज़ीन रिलीज़ बटन है, आप इसको प्रेस करते हैं तो मैगज़ीन बाहर आ जाता है। ये इसकी मार्किंग है सेगा MK01 कलाशनिकोव पे प्रिंट हुआ हुआ है, मेड इन रशिया। और इस साइड पे चेक करें तो इसका रशियन में लिखा हुआ है सेगा MK01 223 रैम। और ये इसका सिलेक्टर है, सिर्फ दो इसमें पोजीशंस होती हैं, एक सेफ्टी और एक फायर, क्योंकि सेमी ऑटो जैसे मैंने आपको बताया ये राइफ़ल है। ये इसका स्केलेटन स्टॉक है जो इज़माश कंपनी की पहले जो आती थी शॉर्ट बैरल, अगर आपने नोट किया हो जिसमें यहाँ पे इज़माश लिखा होता था, तो उनकी एक तो क्वालिटी इतनी प्रीमियम क्वालिटी नहीं थी। उसकी सेगा जो शॉर्ट बैरल में आती थी उनकी जो फिनिश है वो इतनी अच्छी नहीं थी, इसकी बहुत आला फिनिश है। और उसके अंदर जो है वो फाइबर हैंडगार्ड होता था और उसका स्टॉक जो है वो पॉलीमर स्टॉक होता था। लेकिन अब जो क्लाशनिकोव ब्रांडिंग के साथ जो आई हैं सेगा शॉर्ट बैरल, तो इनके साथ है वुडन हैंडगार्ड और स्केलेटन स्टॉक फोल्डेबल। उसके बाद ये इसका डस्ट कवर है, इस पर कोई रेल नहीं है, लेकिन साइड में रेल यहाँ पे अटैचमेंट दी हुई है जिस पे रेल आके आपकी फिट हो सकती है, तो आप आके कोई ऑप्टिक वगैरह इस पर लगा सकें। ये इसकी पिस्टल ग्रिप है, चेकर्ड है, बहुत अच्छी ग्रिप है, कंफर्टेबल है। ये इसका स्टॉक है, मैंने आपको फोल्ड करके दिखा दिया। इस साइड से देखते हैं तो ये इसका चार्जिंग हैंडल है, सेफ्टी हटा के बिल्कुल एके स्टाइल। और ट्रिगर इसका बहुत ही क्रिस्प है, एक फर्स्ट पुल है इसका और फिर ट्रिगर क्रिस्प है इसका। फ्रंट पे यहाँ पर जो बैरल के नीचे है क्लीनिंग रॉड दी हुई है। मैकेनिज्म इसका बिल्कुल एक ही वाला है, एक ही प्लेटफॉर्म पे। बहुत ही हैंडी और बहुत ही खूबसूरत राइफल है ये, मुझे बहुत पसंद आई। मैं तो गन्स एंड एक्सेसरीज, जो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, गन्स एंड एक्सेसरीज में गया था विज़िट के लिए किसी काम के लिए, और मुझे राइफ़ल पसंद आई। 2-3 दिन मैं सोचता रहा, लाइसेंस भी था मेरे पास, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको परचेज़ किया। तो व्यूअर्स, सेगा को डिसअसेंबल करने का भी बहुत ईजी तरीका होता है। यहाँ पर इसके ये डस्ट कवर है और ये बटन है, आपने इसको पुश करना होता है। आप इसको पुश करें, डस्ट कवर इजीली जो है बाहर आ जाता है। डस्ट कवर जब बाहर आता है तो आपने इसका स्प्रिंग जो है वो डिसअसेंबल करना है। ये इसका स्प्रिंग है, आपने खाली इसको पुश करना है, ये इसके ग्रूव से निकालना है और स्प्रिंग बाहर आ जाता है। फिर आपने देखना है कि ये सेफ्टी पोजीशन पे ना हो, फायर पोजीशन पे हो। तो इसका जो चार्जिंग हैंडल है, आप इसको पुल करेंगे, इसका बोल्ट बाहर आ जाता है। देखें बिल्कुल चमकता है, वो ब्रांड न्यू ग्रीस्ड इसका बोल्ट है। राइफ़ल की फिनिश में आपको दिखाता हूँ, कोई मशीनिंग के मार्क्स वगैरह नहीं है इसके अंदर। बहुत ही सुपर फिनिश्ड राइफ़ल है। क्रोम लाइन इसका बैरल है। बहुत अच्छी फिनिश राइफ़ल है। अब हम इसको वापस से जब असेंबल करेंगे ये इसका बोल्ट है, ये आपको मेक श्योर करें आप यहाँ बैठ जाइए आराम से। अगर ये ऊपर रहेगा थोड़ा सा तो ये सही से फिट नहीं होगा। आपने इसको पहले यहाँ पे फिट यहाँ पे करेंगे तो ये देखें आप इजीली आगे मूव होगा और फिर ये प्यार से अपनी जगह पे फिट हो जाता है। फिर आपने इसका स्प्रिंग फिक्स करना है, स्प्रिंग डालेंगे और फिर ये जो ग्रूव्स हैं ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस ग्रूव में इसकी जो बेस है स्प्रिंग की ये बिठानी है आपको। थोड़ा सा पुश करेंगे, और ये फिट हो जाता है बिल्कुल आराम से। उसके बाद जो मेन स्टेप आता है इसका, इसका जो डस्ट कवर है ये बिठाना होता है। इसको डस्ट कवर बिठाने के लिए आप ये देखें कि जो रेयर साइड है इसके नीचे एक कट दिया हुआ होता है। आपने डस्ट कवर को इस कट में बिठाना है पहले, ये इसके अंदर फिट हो जाता है। उसके बाद आपने ये देखें आप, ये बटन है इसके अंदर होता है और आपने इसको ज़ोर से पुश करना होता है। या आपने इसको ज़ोर से पुश किया तो इसमें ये फिक्स हो जाता है। जब भी आप अपनी राइफ़ल को डिसअसेंबल और उसके बाद असेंबल करें तो मेक श्योर एक्शन चेक आप कर लीजिए। तो हम इसका एक्शन चेक करेंगे, ये इसका बोल्ट इजीली, और उसके बाद हम ट्रिगर चेक करेंगे। एक्शन, इसका मतलब आपकी राइफ़ल जो है वो सही से फिट हो गई है। सो व्यूअर्स, सेगा शॉर्ट बैरल वुडन हैंड गार्ड के साथ और स्केलेटन स्टॉक के साथ, आप इस पर स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कलाशनिकोफ ब्रांडिंग के साथ है, मेड इन रशिया है और बहुत ही हैंडी और लाइट वेट राइफ़ल है ये। इसकी जो प्राइस इस वक्त है वो 4 लाख रुपए की ये अवेलेबल है। और अगर आप गन्स फ्रीक का रेफरेंस देंगे इस वीडियो का तो आपको 10,000 का डिस्काउंट मिलता है, तो ये 390 की आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल होगी। रिसेंटली मैंने ये ल्यूपो, आप देख रहे हैं, ये POF का नई ब्रांडिंग के साथ 5.56223 का MO आया है। ये बहुत अच्छा MO है। ये मैंने पहले भी ब्रेन पे चेक किया है और ARs पे चेक किया है, ये है एमओ। और संडे को मैं रेंज जाऊंगा तो ये राइफ़ल हम इस एमओ पे चेक करेंगे और फिर आपसे शेयर करेंगे क्या रिजल्ट्स आते हैं। सो व्यूअर्स, ये एक रिव्यू था सेगा 223 राइफ़ल का 5.56 223, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू पसंद आया। और अगर रिव्यू आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह 8000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और आप लोगों की बहुत सपोर्ट मुझे चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। से नो टू एरियल फायरिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।